पच्चीस नवंबर यानी कि आज आना था रीट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2024 एंड पच्चीस आज का पूरा दिन बीत गया नोटिफिकेशन का अभी तक कोई अता पता है नहीं इसी के चलते एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि रीट के नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकती है देरी अब ये देरी का कारण क्या है एक्चुअल एग्जामिनेशन डेट आएगी कब ये आपको पता चलेगा कल की बैठक के बाद तो कल शिक्षा विभाग की बैठक होगी उसके बाद ही वो आपको सारे रीजंस देंगे नई नोटिफिकेशन की कोई तिथि बताएंगे लेकिन अभी तक हमारी जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो यही थी कि 25 नवंबर को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलता फर्स्ट दिसंबर से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी एंड उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जनवरी के सेकेंड हाफ में एग्जामिनेशन देखने को मिलता अभी तक ये टाइमलाइन फॉलो आज तक तो नहीं हुआ है लेकिन आप ये मान करके चले कि कल के बाद हो सकता है वो आपको यही बोल दे कि डिलेड नोटिफिकेशन का कारण कुछ था नहीं टेंटेटिव था और एक आध दिन में नोटिफिकेशन आने ही वाला था और आ जाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन को खींच भी दे खैर ये सब तो बात की बात है लेकिन आपको आज अपनी होप्स को लो नहीं रखना है होप्स को हाई रख करके ये सोचो कि जनवरी के सेकेंड हाफ में एग्जाम है यही हमने टारगेट बनाया था एंड इसी टारगेट के हिसाब से होनी चाहिए आपकी संपूर्ण तैयारी जो स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तैयारी साथ साथ कर सकते हो क्योंकि एलिजिबिलिटी एग्जाम है अपनी पात्रता को पूरा करोगे तब जाकर आगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे तो जो स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो मेरे साथ जुड़ सकता है रोज दोपहर को एक बजे टीचर्स अड्डा पे लाइव जहां पर आपको टेट लेवल पेडोगॉजिकल लेवल और एक टेट लेवल रिलेटेड क्या क्या एग्जाम ओरिएंटेशन होता है क्या क्या सिलेबस होता है कैसे कवर करना होता है उन सबके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तो अभी अपनी प्रैक्टिस सेशन्स को बढ़ा दीजिए जिन्होंने तैयारी को शुरू कर दिया है वो कंटिन्यू रखें जिन्होंने नहीं किया है वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टीचर्स अड्डा को और मैं मिलूंगी कल होपफुली एक अच्छी खबर के साथ कि नोटिफिकेशन आ जाए